आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है माँ जी। काहे कि पल्लू का इस घर में रहना खतरों से खाली नहीं है। अम्मा ने अब तक सिर्फ पल्लू पर ही हमला किया है, बाकी किसी को देखकर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पल्लू यहाँ नहीं रहेगी तो शायद उनकी सेहत में भी जल्दी सुधार हो सकता है। तू क्या डॉक्टर है जो सेहत का लेक्चर दे रही है? और तू होती कौन है हमारे परिवार के बीच में टांग अड़ाने वाली? तेरा परिवार? अरे वाह पल्लू, क्या बात कही है तूने। तुझे परिवार का मतलब भी पता है क्या होता है? अरे परिवार तो वो होता है जब किसी एक को चोट लगे पर दर्द सबको महसूस होता है। पर तुझे ना तो अम्मा का दर्द महसूस हुआ और ना ही उनकी हालत देखकर उन पे तरस आया। और तुझे कैसे पता कि हमें अम्मा का दर्द नहीं महसूस हुआ? तू अंतर्यामी है क्या? अरे इसमें अंतर्यामी बनने की क्या जरूरत है? तेरी करतूतें चीख चीख कर बता रही है कि तुझे अम्मा की कितनी फिक्र है। वो एक गलती थी, हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया, हमारे कोई गलत इंटेंशन नहीं थे, हम बस दवाइयों के बारे में समझ नहीं पाए इसीलिए। हे अम्बे माँ, तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। हमें खुद को अंग्रेजी के चार शब्द नहीं आते, पर तुझे अंग्रेजी मीडियम के कॉलेज में पढ़ाया ताकि तू अंग्रेजों की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सके। पर तुझे एक अंग्रेजी दवा के बारे में नहीं समझ में आया पल्लू। और अगर नहीं समझ में आया था तो तूने अम्मा को दवा काहे दी? इतनी सस्ती है क्या तेरे लिए अम्मा की जान? देखो कृष, देखो, ये सब ना इसकी चाल है, ये सब ये जानबूझ के करी ताकि आप सब लोग ना हमें गुनहगार मान सको। समझना क्या है, तुमने गुनाह किया है। गुनाह नहीं, गलती की है पापा जी, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। देखो पायल, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, तुमको यहाँ से जाना ही होगा। नहीं मम्मी जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए, उस बिंदिया को जाना चाहिए। इसने आपके बाबू के बाबू को मारा है, हमने नहीं। हम कृष के बिना नहीं रह सकते मम्मी जी। पायल क्यों यहाँ से जाएगी मम्मी? और पापा? पापा तो पायल को पसंद ही नहीं करते, वो तो चाहेंगे ना कि वो यहाँ से चली जाए। पर आप कैसे ले सकती हो ऐसा फैसला? जवाब दो हमें अंदो, उस बेटे को अपनी पत्नी को चुनना चाहिए या अपनी माँ को? जवाब दो इंदु, हम कुछ पूछ रहे हैं। पूत का पूत हुए तो हुए, पर माता हुई ना कुमाता। माँ चाहे जैसी भी हो, पर माँ का स्थान तो सबसे बड़ा होता है। बलदेव जी, 9 महीने बच्चे को अपने खून से सींचती, उसके जन्म के बाद उसे अपना दूध पिला के पालती है। बच्चे को बड़ा होते देखकर सबने संजोने लगती है। बच्चा हंसता है तो उसके साथ माँ भी हंसती है। बच्चे के आंख में नमी हो तो माँ रोती है। पत्नी तो बहुत बाद में आती है बलदेव जी, तो पत्नी का स्थान तो माँ के बाद ही होना चाहिए। जब तुम इतना समझती हो इंदु, तो फिर हमसे अपेक्षा क्यों करती हो कि हम अपनी माँ को छोड़ दें? क्योंकि हमारे बच्चे की जान खतरे में है। खतरा अम्मा नहीं है, पायल है। ये आप क्या कह रहे हैं बलदेव जी? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, कृष्णा की कमजोरी है पायल, और इसी कमजोरी की वजह से कृष्णा की जिंदगी को खतरा है। तुमने कहा था ना कि वो काला इतिहास दोहराना नहीं चाहिए, तो हमको ये बताओ कि उस काले इतिहास का कारण कौन है? उस काले इतिहास का सबसे बड़ा कारण है कावेरी। अगर कावेरी नहीं होती तो क्या वो 2 हत्याएं हुई होती? नहीं ना, उसी कावेरी की वजह से 2 हत्याएं हुई हैं और हमारी मां का यह हाल हो गया। तो सबसे पहले हमें अपने कृष्णा की जिंदगी से उस पायल नाम की कावेरी को हटाना है, दूर कर देना है उसे, ताकि अब किसी की भी जान ना जाए। आप सही कह रहे हैं बलदेव जी, हम बाबू के जीवन पे आज भी नहीं आने देंगे। इस कावेरी को, हमारा मतलब है इस पायल को इस घर से जाना ही होगा। बाबू, अगर हमने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा ना? और तेरे पापा ने ये फैसला इसलिए नहीं लिया कि वो पायल को पसंद नहीं करते, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए लिए हैं। अरे अम्मा, जब जब पायल को देखेंगी तब तब उस पे हमला करेंगी, जो कि ना पायल के लिए अच्छा है ना अम्मा के लिए।
हर वक्त घर में डर का माहौल बना रहेगा, पायल की जान को खतरा बना रहेगा और ऐसे में अम्मा की सेहत कभी ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए पायल को जाना ही होगा। बस! इसे कहते हैं सोरों का झटका सोर से लगा। ये खुसट बुढ़िया किसे कहा तुमने? हाँ, वो बलदेव जी की माँ है, तुम्हारी सास की सास। और जब तुम हमारी सास की बेइज्जती कर सकती हो तो तुम अपनी सास की भी बेइज्जती कर सकती हो, है कि नहीं? और तुम्हें क्या लगता है कि वो बीमार है तो उनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है? एक बात याद रखना पायल, जो औरत अपने पति से प्यार करती है ना, वो उस औरत की इज्जत भी जरूर करती होगी जिसके पति को उसने जन्म दिया है, समझी तुम? आज का दिन तो बहुत ही लकी है विक्रम, पता नहीं किसका चेहरा देखकर उठे थे आज हम। ऑफ कोर्स हमारा ही, वैसे हम ही तो है तुम्हारे लकी चार्म, और वैसे भी आग में घी डालना तुम बखूबी जानती हो। वेट विक्रम, घी तो अभी डालना और बाकी है। मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आपके पीठ पीछे से भी ना आपको खूंसट खूंखार बुढ़िया बुलाती होगी, पक्का। नहीं नहीं मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें हमें खुद नहीं समझ में आ रहा हमारे मुंह से ये सब कैसे निकल गया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे पायल, जो दिल में होता है ना वो जबान से फिसल ही जाता है। नहीं नहीं क्रिश, तुम तो हमें जानते हो ना, हम अम्मा और मम्मी जी की डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकते। वो तुम्हें और इस घर को छोड़ने की बात आई ना, इसलिए हमारे मुंह से ये सब निकल गया, हमने जानबूझ के नहीं बोला ये सब, प्लीज सॉरी प्लीज। चाहे जितनी भी हाइपर हो जाओ या फिर कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए, पर तुम अपने से बड़ों की इंसल्ट नहीं कर सकते। हम जानते हैं क्रिश, हमसे गलती हो गई, सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अब मारिए हमें, अब मारिए हमें प्लीज, मारिए क्रिश, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्लीज। इट्स ओके पायल, पर अगली बार से हमारे परिवार के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। 100 नहीं 1000 बार सोचेंगे क्रिश, सच्ची, पर भी एक बार सोचो ना, हम कहाँ जाएंगे इस फैमिली को छोड़ के, तुम्हें छोड़ के? चिरैया, अरे वहाँ के लोग हमें पसंद भी नहीं करते, वहाँ के लोग हमें जीने ही नहीं देंगे, मर जाएंगे हम। कोई नहीं हमारा तुम्हारे और इस फैमिली के अलावा, प्लीज क्रिश हमें अपने से दूर मत करो, प्लीज प्लीज मत करो अपने से दूर। अरे पल्लू, तुम्हें कौन सा हमेशा के लिए भेज रहे हैं यहाँ से? कुछ दिनों की तो बात है, अम्मा ठीक हो जाएंगी तो अलट पलट चलट करके वापस आ जाना, इसमें इतने गिड़गिड़ाने और रोने धोने की क्या बात है? हाँ तो ठीक है, अगर पायल का इस घर से जाना तय ही है तो हम भी उसके साथ ही जाएंगे। हम अभी 5-स्टार होटल में रूम बुक करवा लेते हैं, कुछ दिन हम और पायल साथ ही रहेंगे। गुड आइडिया, हाँ हम होटल में रहते हैं। पर कृष्णा जी, आप होटल में रहने कैसे जा सकते हैं? आपको अम्मा को जल्दी ठीक करना है या नहीं? हाँ तो हम डॉक्टर है क्या? पर हर मलम का इलाज डॉक्टर ही थोड़ी ना करता है कृष्णा जी। मतलब ये कृष्णा जी कि आपने देखा ना आपके स्पर्श से अम्मा पर कितना असर हो रहा है, अगर आप यहाँ रहेंगे तो अम्मा जल्दी से ठीक हो जाएंगी, और दूसरी बात, आप पल्लू के साथ होटल में रहेंगे तो इस परिवार की इज्जत पर जरूर उंगली उठेगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। सुन लो एक बात, हम लोगों की बातों की परवाह नहीं करते। पर आपको इस बात की परवाह तो है ना कि हम ही घर छोड़कर जल्दी से चले जाएं? तो देखिए कृष्णा जी,
जितनी जल्दी अम्मा ठीक हो जाएंगी उतनी जल्दी हम एक घर और आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। इसलिए यहीं रहिए और अलट पलट चलट करके अम्मा को जल्दी से ठीक कर दीजिए। और पल्लू तू तो बहुत प्यार करती है ना कृष्णा जी और इस परिवार से, और हमने सुना है कहीं कि जो इंसान जिससे बहुत प्यार करता है ना उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी देता है, जान की कुर्बानी, धन दौलत की कुर्बानी, खुशियों की कुर्बानी, यहाँ तक दिल जिगर और गुर्दे सब कुर्बान कर देते हैं। और एक तू है पल्लू जो अपने प्यार और परिवार की इतनी बड़ी खुशी के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। और कृष्णा जी को देख, वो तेरे लिए इस परिवार की इज्जत की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। बाबू तू कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ पायल के लिए होटल बुक करो। अरे मम्मी जी ये तो वही बात हुई ना कि खरबूजा चाकू पे गिरे या फिर चाकू खरबूजे पे, कटना तो खरबूजे को ही है। अरे तुम ये क्या खरबूजा और ककड़ी कर रही हो जी, जाओ जाके फ्रूट सलाद बनाओ और खाओ। अरे मम्मी जी मेरा मतलब ये है कि पायल और कृष साथ में होटल में रहे या फिर अकेली पायल। लेकिन होटल में रहने से सवाल तो शुक्ला परिवार पे ही उठेगा ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये होटल वोटल का चक्कर छोड़ के ना पायल को निक्कू के घर रहना चाहिए, उससे उसे घर वाली फीलिंग भी आ जाएगी और फालतू का खर्चा भी बच जाएगा। हाँ, हमें भी लगता है भाभी सही कह रही। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कृष, हम निक्कू के घर में उसके साथ कैसे रह सकते हैं? वो तो अकेला रहता है। पर तू तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती है ना पल्लू। बिल्कुल सही कहा तूने, हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि हमेशा खुशियाँ तो तेरे पास आई है ना, तेरे नसीब में आई, हमारे नसीब में तो सिर्फ दुख आए। कृष्ण ने प्यार किया पर सुहागन नहीं बन पाए, प्रेग्नेंट हुए लेकिन माँ नहीं बन पाए। अरे पुरानी बातें छोड़ो, आज की सोचो। हाँ तो आज ही देखिए ना मम्मी जी, हमने अम्मा का इतना ख्याल रखा लेकिन एक गलती की वजह से हमें ये घर से बेघर होना पड़ रहा है। लेकिन ये बॉर्डर और बिंदी यहाँ पे कृष्ण की सुहागन बनकर क्वीन की तरह रहेगी। नहीं रहेगी हमारी सुहागन बनकर, ये प्रॉमिस है हमारा तुमसे। बिंदिया की हैसियत इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक केयर टेकर की होगी बस। सपना, बाबू तुझे ये सपना से अचानक क्या काम पड़ गया? अभी पता चल जाएगा मम्मी। जी भैया जी। आज से यही पहचान है तुम्हारी इस घर में। पता है अम्मा, हमने कृष्णा जी के लिए कई रूप धारण किए हैं, आज एक और रूप से
बड़ा सोला श्रृंगार करके मंडराना चाहती थी ना कृष्ण के आसपास, अब नर्स बनकर बैठी रहना उस बुढ़िया के पास। पर हमें जल्दी से इस घर में रुकने का प्लान बनाना पड़ेगा, वरना ये लोग बिना बैंड बाजा के हमारी पिटाई कर देंगे। वाह बिंदी, ये यूनिफॉर्म तो तुझ पे बहुत सूट कर रही है, पर ये मंगलसूत्र जच सा नहीं रहा। बताया था और अब एक और बार बता रहे कि गलती से भी हाथ मत लगा लेना हमारे सुहाग की निशानी को, वरना हम भूल जाएंगे कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता भी था। और पल्लू, ये कपड़ों को देखकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, काहे कि कपड़े तो बदलते रहेंगे, पर एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, हम सुहागन थे, सुहागन हैं और सुहागन रहेंगे। तुम ना अटका हुआ टेप रिकॉर्डर हो बिंदिया, जिसकी सुई घूम फिर करके ना एक ही जगह जाकर अटकती है, सुहागन, जो कि तुम सिर्फ नाम की हो। और पायल, तुम्हें इसकी गीदड़ भभकियों से डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका अब सुहागन अध्याय समाप्त होने वाला है। छठ पूजा का इंतजार था ना तुम्हें, छठ पूजा खत्म हो चुकी है, अब किसी भी दिन हमें कोर्ट की तारीख मिल सकती है, इसलिए अब ये समझ लो कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और तुम, अरे रोज, निकू, तुम लोग यहां? अरे रोज, तुम्हारी बारात, आई मीन चिरैया वाले कहां हैं? तुम अकेली आई हो क्या? अकेले कहां, निकू जी के साथ आए हैं। अबे ओ भाई साहब, क्या तू कौन सी ब्रेकिंग न्यूज देने आ गया हमें? वो हम वो मैं, अबे वो रुक रुक के चलने वाली लोकल ट्रेन, क्या हम वो हम ये वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ना। आगे कैसे बढ़े, तू जो चेक पोस्ट की तरह सामने खड़ा है। अबे घोचू, आगे की बात बता, आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं हम। आगे की बात तो तुझे पता होगी ना ब्रो, तू तो शहनशाह हिंदुस्तान की तरह हुक्म कर देता है, और तेरे हुक्म को मानने के चक्कर में ना हमारी लाइफ की ना ऐसी तैसी हो जाती है। हो गया, सुना दी राम कहानी, अब सीधी बात बता। हम बताते हैं, देखिए कृष्णा जी, साक्षी भाभी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि पल्लू निक्कू भैया के साथ रहेगी, इससे इस परिवार की इज्जत पर कोई आंच भी नहीं आएगी और वो वहाँ सुरक्षित रहेगी। और कृष्णा जी, हमें पल्लू की एक बात बिल्कुल सही लगी कि वो अगर निक्कू भैया के साथ अकेली रहेगी तो उस बात पे भी तो उंगली उठ सकती है ना, इसलिए हमने अलट पलट चलट करके इन परेशानियों का हल निकाल लिया। और हल क्या है रोज? रोज अगर पल्लू और निक्कू भैया के साथ रहेगी तो पल्लू को बहन का साथ भी मिल जाएगा
और कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है, क्यों इंदु? वो एक्सीलेंट पापा जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि निक्कू तो वैसे भी बैचलर है और रोज रहेगी तो घर का सारा काम भी कर देगी। हाँ हाँ, घर के काम से लेके इनके पैर दबाने तक सारी जिम्मेदारी हमारी। रोज गला मत दबा देना बस। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हमें भी लग रहा है कि यही सही होगा। पायल तुम जाओ अपना सामान बांध लो और आज ही चली जाओ निक्कू के साथ। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना कृष को छोड़ के, हमें कुछ करना होगा।